नए साल के पहले दिन माता वैष्णो देवी मंदिर में बेहद दुखद घटना घटित हुई है। दरअसल मंदिर परिसर में अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को नारायणा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस घटना पर दुख जताया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि वह माता वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा पर त्रासदी से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए तुरंत कटरा जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह स्थिति का जायजा लेने के लिए कटरा पहुंचे हैं। भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इस घटना पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी नेताओं ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर के DGP दिलवाग सिंह ने बताया कि घटना लगभग सुबह 2:45 पर हुई। दुर्घटना की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार एक ट्रक छिरा, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों ने एक दूसरे को धक्का दिया और उसके बाद भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 12 लोगों की मौत होने की खबर है, जबकि 13 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो ये थी इस वक्त की ब्रेकिंग अपडेट। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।